अयोध्या में 12 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी जगह पर अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान रविवार के दिन बागली तहसील के नगर चापड़ा में ऐतिहासिक भव्य अक्षत कलश यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा पाटीदार समाज धर्मशाला से प्रारंभ हुई, नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण किया। इस दौरान यात्रा में हनुमान जी के विशाल रूप में कलाकार द्वारा झांकी प्रस्तुत की गई, जो कि पूरी यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन सम्मिलित हुए। नगर के सभी वरिष्ठ जन और युवा कलश रखी हुई पालकी को कंधों पर उठाकर यात्रा में चल रहे थे। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बैंड बाजे डीजे के साथ यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा के माध्यम से सभी से आग्रह भी किया गया कि 22 जनवरी को अपने अपने घर पर यह जश्न मनाएं, दीपक जलाएं। इस दौरान पूरा नगर भगवा मई होकर श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि पर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होने जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में देश भर में जो यात्राएं निकाली जा रही है, उसी उपलक्ष्य में ये यात्रा यहाँ चापड़ा नगर की निकाली गई। चापड़ा नगर में इतिहास की सबसे बड़ी ये यात्रा थी। बहुत उत्साह के साथ सभी जाति और सभी बिरादरी और पंथों के लोगों ने पूर्ण उत्साह के साथ इस यात्रा में साथ में चले। विभिन्न स्कूलों की झांकी भी थी, सामाजिक संगठन भी सभी बिल्कुल भरपूर सहयोग कर रहे थे। एक यहाँ पर विशाल हनुमान जी के रूप में एक अनूठी जो मूर्ति थी चलित, जो उन्होंने विशेष कपड़े पहन रखे थे हनुमान जी की वेशभूषा में, जो आकर्षण का केंद्र थे। पूरे देश में 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भगवान रामलला अपने अयोध्या धाम में उनके मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उसका उत्सव हिंदू समाज ने जो 80 भीषण लड़ाइयाँ लड़ी, 5 लाख लोगों का बलिदान हुआ, उसके बाद जो है हमको भगवान रामलला का भव्य मंदिर मिलने जा रहा है, तो उसका उत्सव उत्साह और खुशी पूरे भारत के हिंदू समाज के प्रत्येक मंदिर व्यक्ति के मन में, घर घर में, गांव गांव में, गली गली में, वो जो आज पूजित अक्षत अयोध्या से निमंत्रण के रूप में हिंदू समाज के घर घर में देने के लिए आए हैं, उसी को लेकर आज चापड़ा नगर में ये विशाल शोभा यात्रा निकली। उस उत्सव को लेकर आपने देखा किस प्रकार का माहौल है। मैं कहना चाहूँगा कि ये तो आज झांकी है जो आपने देखी, 22 जनवरी अभी बाकी है। क्या पूरा दृश्य होगा, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। पूरा हिंदू समाज जो है और भारतवर्ष राममय होने जा रहा है, इसके हम सब साक्षी बनेंगे। इस बात में गौरव और गर्व है, और पूरे हिंदू समाज को इस शुभ अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भगवान श्री राम सबका मंगल करे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, यही कामना। जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।